मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको कक्षा यूकेजी विषय भाषा, सबसे पहले हमने आपको छोटा आ से बनने वाले शब्दों को पढ़ाया। छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, उसमें सिर्फ जैसे आ अजगर, आ अमरूद, आ अनार, इस तरह के शब्द आपने पढ़े। अब आप बड़ा आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो आप बड़ा आ की मात्रा, जैसे आपका लिखा है बड़ा आ, इसके बाद ये आपकी हो गई बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है। बड़ा आ की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है। तो अब आप देखिए, आपका कौन सा अक्षर है, ये क। क लिखने के बाद आप यहाँ जोड़ का निशान लगाएंगे और यहाँ पे किसकी मात्रा हो गई, ये बड़ा अ की। तो इसे लगाने के बाद, मात्रा लगाने के बाद क को आप क्या पढ़ेंगे, का। तो इसमें कौन सी मात्रा आ गई, बड़ा अ की। फिर आप देखिए ख, क्या है ये ख। तो ख लिखने के बाद आप बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे और ख के आगे मात्रा लगाने के बाद इसे पढ़ेंगे खा। फिर आगे देखिए ग लिखा है, ग में आप फिर मात्रा लगाएंगे और मात्रा लगाने के बाद इसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे, ग को बोलेंगे गा। तो इस पे किसकी मात्रा हो गई, बड़ा अ की। अब आप इसी तरह से देखिए, छोटा अ है उस पर मात्रा लगी हुई है तो क्या हो गया, ये आ। और आगे लिखा है मा, मा पर कोई मात्रा नहीं है तो आप इसे पढ़ेंगे बड़ा आम। फिर देखिए हा है, हा में बड़ा आ की मात्रा है और थ, तो ये क्या हो गया आपका, हाथ। फिर आ है, आ में बड़ा आ की मात्रा और ग, तो इसे आप बोलेंगे आ ग, आग। फिर आप देखिए कौन सा अक्षर है, त। त पे किसकी मात्रा है, बड़ा आ की। फिर यहाँ लिखा है ल, ल पर भी बड़ा आ की मात्रा है तो इसे आप मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ताला। क्या पढ़ेंगे, ताला। फिर देखिए आपके तीन अक्षर वाले शब्द हैं, यहाँ लिखा है ग, ग पर किसकी मात्रा है, बड़ा अ की। किसकी मात्रा है, बड़ा अ की। और फिर लिखा है ज, इसके बाद लिखा है र, तो आपका ये क्या होगा, आप मिलाकर इसे क्या पढ़ेंगे, गाजर। क्या पढ़ेंगे, गाजर। फिर आप देखिए ट, फिर म लिखा है, त पे कोई मात्रा नहीं है, माँ पर बड़ा आ की मात्रा है। फिर इसके बाद लिखा है टा और र, तो इसे आप मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट मा ट र। तो आपकी किसकी मात्रा हो गई, बड़ा आ की। और इसे जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, ट मा ट र। तो आप बड़ा आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे।